Good morning student, welcome you in class 8. This is first part. In this part we are going to study about formation of the Muslim League. तो इससे पहले वाला टॉपिक में हमने देखा था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट में स्वदेशी जो भी वस्तुएं थी उन पर ज़्यादा जोर दिया गया था, बायकॉट किया गया था, विदेशी जो वस्तुएं जो ब्रिटिश गुड्स थी उनका काफ़ी बहिष्कार किया गया था। तो अब इसमें देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की। मुस्लिम लीग यहाँ पर बना था, द ब्रिटिश फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देखिए ब्रिटिश ने जो पॉलिसी फॉलो की थी डिवाइड एंड रूल की, हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने, ठीक है, यहाँ फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। तो अब यहाँ पे बिकॉज दे रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वॉज अ पोटेंशली डेंजरस फॉर देम। जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया, इस बात का एहसास हो गया कि हिंदू मुस्लिम एकता है तो उनके लिए बहुत ही डेंजरस है, सो दे मेड द मुस्लिम बिलीव दैट दे शुड सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड बाई हिंदू। इसलिए उन्होंने मुस्लिमों को भड़काया, उनको अपने फेवर में किया और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि कांग्रेस में सिर्फ हिंदू मेजोरिटी है और हिंदू डोमिनेंट्स है, तो वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हिंदू बेस पे ही लेंगे और आपका, ठीक है, आपका पार्शलिटी होगा, आपका पार्शलिटी होता है, आपके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सो इस तरह से उन्होंने मुस्लिमों को भड़काया। सो दे इनक्रेज द मुस्लिम टू स्टार्ट सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए मुस्लिमों को उन्होंने इनक्रेज किया, प्रोत्साहित किया कि आप अलग से अपना सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। ऑल्सो द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल स्ट्रेंथ कम्युनल डिफरेंस। और यहाँ पे देखिए ऑल्सो द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल स्ट्रेंथ, और बंगाल को जो पार्टिसिपेशन है वो भी स्ट्रेंथ था, सो कम्युनल डिफरेंस चाहते थे वो। सो दस द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड December 13, 1906। ठीक है, 1906 में 30 दिसंबर को यहाँ मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ एंड एट ढाका अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब सलीमुल्ला खां। और जो लीडरशिप थे वो नवाब सलीमुल्ला खां के लीडरशिप में यहाँ पे मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन हुआ। दे सपोर्टेड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देर इंटरेस्ट ऑन द राइट ऑफ मुस्लिम। और वो यहाँ बंगाल का पार्टीशन चाहते थे, द सपोर्टेड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन चाहते थे एंड वॉन्टेड टू सेफ गार्ड ऑफ देर इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ द मुस्लिम, और मुस्लिमों का राइट्स बचाना चाहते थे। दे पुट फॉरवर्ड देर डिमांड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी, दे वॉन्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम। ठीक, और उन्होंने अपनी जो मांग थी वो रखी थी कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्शंस हो। द ब्रिटिश गेव इन टू देयर डिमांड, सम सीट्स इन द काउंसिल वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम। अब देखिए ब्रिटिश तो यही चाहते थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको कुछ सीट रिजर्व कर दी पार्लियामेंट में, हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम इलेक्टोरल, जो कि मुस्लिम इलेक्टोरल के द्वारा ही उसको फिल की जाएगी। हाउएवर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम, हाउएवर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल। देखिए यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्टोरल इंट्रोडक्शन हुआ सेपरेट इलेक्टर फॉर द मुस्लिम सॉट द सीड ऑफ डिवीजन बिटवीन द हिंदू मुस्लिम, और यही बीज यहाँ नफरत के बीज बो दिए गए हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए यहाँ पे जो बीज थे वो बो दिए गए अंग्रेजों द्वारा। नाउ सूरत एंड लखनऊ पैक्ट। देखिए यहाँ पे सूरत और लखनऊ पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ। सूरत सेशन ऑफ द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1907 में, यहाँ पे एक सूरत में सेशन, ठीक है, अधिवेशन हुआ था 1907 में। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट सिंस द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट पार्टेड अवे। और यहाँ पे जो कांग्रेस है दो हिस्सों में बढ़ गई थी, एक मॉडरेट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट, मीन्स स्प्लाइट हो गया था कांग्रेस स्प्लाइट इन 1907। दे वर डिफरेंस बिटवीन दे ऑन मैनी इश्यूज विच लीड टू द क्लैशेज बिटवीन देम। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यू थे, मैनी इश्यूज विच लीड टू क्लैश बिटवीन देम, उनके बीच में क्लैशेज हो गए थे। द कांग्रेस पास रिसोल्यूशन ऑन बायकॉट। देखिए कांग्रेस ने यहाँ रिसोल्यूशन पास किया था, बायकॉट किया था स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन इन 1906, बट द मॉडरेट अपोज देम। लेकिन यहाँ पे मॉडरेट उसके अपोज थे, मॉडरेट अब बायकॉट नहीं करना चाहते थे स्वदेशी मूवमेंट को, ठीक है, नेशनल एजुकेशन और 1906 में जो मॉडरेट काफ़ी खिलाफ थे, जो एक्सट्रीमिस्ट इसको बायकॉट करना चाहते थे फॉरेन गुड्स का। द एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट प्रिपेयर टू अलाउ देम टू डू सो, और एक्सट्रीमिस्ट इनको इस बात के लिए परमिशन नहीं देते थे, वो नहीं चाहते थे कि जो मॉडरेट है अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिला है। एन ओपन क्लैश रिजल्ट थ्रू दिस स्प्लाइट वॉज टेम्परेरी इट वीकन INC, और ओपन यहाँ पे क्लैशेज हो गया और इसके कारण यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे जो कांग्रेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर हो गया था। देखिए यहाँ पे एक हिस्ट्री रिवल देखें, दिल्ली दरबार ऑफ 1911। देखिए 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, वाज हेल्ड इन दिसंबर टू कमेमोरेट ऑफ द कॉरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मेरी एज एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये
जो यहाँ पे इनको सिंहासन जाए सरताज पहनाया गया है क्वीन मैरी और इम्परर और इम्प्रेस ऑफ इंडिया। इट वॉज देयर दैट किंग जॉर्ज मेड टू वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए किंग जॉर्ज ने यह दो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए थे। फर्स्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कि यहाँ पे जो कैपिटल है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। सेकंड द कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और बंगाल का जो पार्टीशन वो कैंसिल किया जाएगा। हाउ आर द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस अगेन ज्वाइन हैंड इन दिसंबर हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों वापस यहाँ पे 1915 में दोनों ने आपस में ठीक है समझौता कर लिया, दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया एंड साइन द लखनऊ पैक्ट, और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। टू फाइट फॉर सेल्फ रूल, वो अपने सेल्फ रूल के लिए लड़ेंगे। दिस ऑल्सो लीड टू बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू अपोजिंग ग्रुप ऑफ द कांग्रेस, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिज, ठीक है एक्सट्रीमिस्ट, ठीक दो अपोज ग्रुप थे दोनों ही कांग्रेस के। दस इट ब्रॉड द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट सेक्शन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस टुगेदर अंडर वन कॉमन इंटरेस्ट फॉर ऑप्टेनिंग सेल्फ रूल फॉर इंडिया। लेकिन जो नेशनल कांग्रेस थी वो सिर्फ एक देश था उसको ऑप्टेनिंग सेल्फ रूल फॉर द इंडियंस। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द नेशनलिज्म, देखिए अब यहाँ पे आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनलिज्म। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री वाले को देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना प्लेड अ की रोल इन द साइन ऑफ लखनऊ पैक्ट, मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ पे काफ़ी की रोल था लखनऊ पैक्ट में एंड वॉज कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और यही एम्बेसडर कहलाया हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। नेक्स्ट आता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगन इन 1914, हम जानते हैं नाइन्थ क्लास में ठीक है स्टडी करेंगे यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन फिर भी हम देखें फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हो गया था। इंडिया मेड अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटेन्स वार इफोर्ट, इंडिया ने काफ़ी ह्यूज कंट्रीब्यूशन किया था, काफ़ी बड़ा योगदान दिया था ब्रिटेन्स को वर्ल्ड वार में जीत दिलाने के लिए। द इंडियन सपोर्टेड द ब्रिटिश विद द होप दैट आफ्टर द वार ब्रिटिश वुड गिव हिम देम होम रूल, और उन्हें इस बात की दिलासा दिलाई थी कि यदि हम युद्ध में जीत जाएंगे तो आपको इसके बाद आपका ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है आपका है आपका जो होम रूल है वो आप अपने हिसाब से चलाएं। बट ऑल वाज इन वेन, लेकिन सब सिर्फ एक धोखा था। मेनी इन इंडियन फेल दैट दे हैड बीन बैडली लेट डाउन द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर देयर पार्ट प्ले इन द वर्ल्ड वार, बहुत सारा लग गया था कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट इनका हिस्सा चाहती है वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स पोस्ट वॉर एटीट्यूड वॉज ग्रेट स्टिमुलेट फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ऑल्सो द वार हैड ए ट्रेमेंडस इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, लेकिन देखिए वार का बहुत ही ट्रेमेंडस असर रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा है भारत पर। ड्यू टू द वार एक्सपेंसेस टैक्स वर इंक्रीज, देखिए वार के कारण यहाँ पे खर्चे काफ़ी बढ़ गए थे, टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे एंड प्राइस ऑफ एवरी डे नेसेसिटी सोर्स, दिस लीड टू द फर्दर प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल, और डे बाय डे प्राइसें बढ़ रही थी जिसका कारण सबसे ज़्यादा असर हो रहा था कॉमन पीपल पे। हाउ वेर मेनी बिजनेस फ्लोरिश टू बिकॉज ऑफ द वार क्रिएटेड डिमांड फॉर गुड्स विच कुड नॉट बी इम्पोर्टेड ड्यूरिंग द वार, ठीक है हालांकि उस समय बहुत सारी चीज़ें का यहाँ बिजनेस बढ़ चुका था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वार के समय इम्पोर्ट नहीं की जा रही थी, इसके कारण दूसरे बिजनेस काफ़ी बढ़ गए थे। सम इंडस्ट्रीज एक्सपांडेड एंड नाउ बिजनेस ग्रुप डिमांड अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, हालांकि उस समय बहुत सारी इंडस्ट्री एक्सपांड हो गई थी और बहुत सारे बिजनेस ग्रुप बढ़ गए थे, डिमांड बिजनेस की डिमांड बढ़ रही थी, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे बिजनेस को काफ़ी अच्छा हुआ था। हालांकि उस समय कुछ देखिए कुछ लॉस हुआ था, कुछ हमें प्रॉफिट भी हुआ था उस समय। इंडियंस वर रिक्रूटेड मैसिवली एंड वेयर वर सेंट टू द फाइट इन द वार फॉट बाय द ब्रिटिश, और इंडियंस को बहुत बड़ी संख्या में उनको भर्ती कर लिया गया था रिक्रूटमेंट सोल्जर्स के रूप में और उनको लड़ने के लिए भेज दिया गया था, ठीक है। दे वर अपोज टू वेस्टर्न आइडिया एंड रियलाइज द इंजरीज इनजस्टिस बींग डन टू द इंडियन, देखिए वो यहाँ पे वेस्टर्न आइडिया से काफ़ी खिलाफ थे और उनको रियलाइज हुआ द इनजस्टिस बींग डन टू द इंडियन, और इंडियन के लिए काफ़ी अन्याय हो रहा है। सो इंडियन लर्न अबाउट द रशियन रिवोल्यूशन 1907, इंडियन वहाँ पे सीख चुके थे काफ़ी 1907 में जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था। वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, और वो इससे काफ़ी इंस्पायर हुए थे आइडिया जो लिबर्टी है इक्वलिटी। दस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और यहाँ पे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है इनमें काफ़ी ग्रू हो गई थी, स्ट्रॉन्ग हो गई थी, मजबूत हो गई थी। द स्टेज वॉज नाउ सेट फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस एंड ओनली फाइनल स्टेप वॉज नीडेड टू अचीव दिस गोल, और यहाँ पे स्टेज जो पूरी तरह बन चुका था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए और सिर्फ यहाँ पे फाइनल स्टेप बचा था रिटर्न ऑफ गांधी जी। द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज लीड बाय गांधी जी, दूसरा फेज जो है
इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी द्वारा लड़ा गया था। दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज द गांधी ईरा, और ये फेज गांधी ईरा के नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से, सिंस ही प्लेड अ पिवोटल रोल। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इन्होंने इसमें। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 में, गांधी जी 1915 में वकालत करके अफ्रीका से आए थे। ही स्टेड देयर फॉर 20 ईयर एंड हैड विटनेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ द कलर्ड पीपल बाय ब्रिटिश। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने देखा, 20 साल तक रहे और उन्होंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है जो फेयर पीपल थे, जो ब्रिटिश वाइट पीपल थे उनके द्वारा कलर्ड पीपल ब्लैक लोगों के साथ। ही फोट अगेंस्ट रेशियल इनजस्टिस। आफ्टर द कमबैक ऑफ इंडिया ही टुक अ टूर टू द कंट्री, और उसके बाद उन्होंने कंट्री साइड में टूर किया। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली अपसेट टू सी द कंडीशन ऑफ द पीपल, और इसको देखकर काफ़ी अपसेट हो गए, काफ़ी नाराज़ हो गए। ही बिगन मैनी मूवमेंट टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ द इंडियन, उन्होंने स्टेटस जो है इंडियन का अपलिफ्टमेंट करने के लिए काफ़ी कोशिश किया। ही सपोर्टेड टू द कॉज ऑफ द ऑप्रेस कल्टिवेटर्स ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। ही फॉट फॉर द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ही ऑल्सो बैक टेक्सटाइल वर्कर अहमदाबाद हु आर फाइटिंग फॉर देयर वेजेस। ठीक है, तो इन्होंने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद यहाँ के मिल वर्कर किसानों के लिए काफ़ी स्ट्रगल किए, काफ़ी लड़े उनके लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा रोलट एक्ट एंड सत्याग्रह। इन 1990 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रोलट एक्ट। 1919 में देखिए ब्रिटिश ने रोलट एक्ट पास किया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट में था क्या, देखिए द गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी टू अरेस्ट द इम्प्रिजन एनी वन विदाउट अ ट्रायल। देखिए गवर्नमेंट को इस अथॉरिटी दिया गया था तो किसी भी इंडियंस को अरेस्ट कर ले बिना ट्रायल्स के और उसको जेल में डाल देती थी। द एक्ट वॉज फॉर्म्ड एज अ ब्लैक एक्ट, और इस एक्ट को इन्होंने ब्लैक एक्ट कहा इंडियंस ने, बाय द इंडियंस एंड दे रिवोल्ट इन प्रोटेस्ट अगेन, और इन्होंने एक साथ रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया इस एक्ट के तौर पे कि ये गलत है, आप बिना किसी को कुछ कहे ही उसको जेल में डाल देंगे बिना ट्रायल के, बिना उसके कुछ किए, तो ये गलत है। तो इसको ब्लैक डेक नाम से जाना जाता है, काफ़ी बहिष्कार किया गया भारत के हर कोने में इसका। एंड इट कर्ब फ्रीडम टू एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, और इसने फ्रीडम जो हमारी खत्म कर दी थी एक्सप्रेशन का। गांधी जी बिगन दैट रिवोल्ट सत्याग्रह, और इसका रिवोल्ट किया सत्याग्रह के तौर पे। 6 अप्रैल 1990 वाज ऑब्जर्व एज द डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन एंड देयर वर स्ट्राइक एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट दिस एक्ट, और इस एक्ट के तौर पे हर जगह स्ट्राइक और डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया, धरना दिया गया कि ये एक्ट हटाए वापस, क्योंकि गलत था, हम अपने एक्सप्रेशन नहीं शो कर सकते, यदि एक्सप्रेशन शो करने जा रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें जेल में डाल दिया तो कुछ नहीं हो सकता था। ठीक, इसलिए इसका पूरे भारत में बहिष्कार किया गया था। ठीक है, रिमेनिंग नेक्स्ट जलियांवाला बाग मैसेज वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।